इसमें बनारस में डोमराजा उपाधि हमें मिला है, डोमराजा समाज का। और 2020 में पापा के एक्सपायर होने के बाद इससे आप 4 साल से इसमें हमें दिख रहे हैं। आपके फादर को प्रस्तावक बनाया गया था 2019 चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का, आप इस बार क्योंकि कल वो नामांकन करेंगे, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए 2019 में हमारे पापा को चुनाव में उसे प्रस्ताव बनाया गया था, और 5 साल में हमारे समाज को इतना इज्जत सम्मान मिला है। हम चाहते हैं कि 2024 में, देखिए कल नामांकन मोदी जी कर रहे हैं, इससे 2019 पापा का उस प्रस्ताव बनाए थे, हम चाहते हैं कि 2024 हमें बनाया जाए। आप डूम राजा हैं, आपका यहाँ किस तरह से काम रहता है, क्या पहचान है आपके समाज की? देखिए भैया, हमारी पहचान है कि हम लोग अग्नि देते हैं, 3600 जात को अग्नि देते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होता है। हम लोग अग्नि देते हैं तो सीधे शिव के चरणों में मुक्ति प्राप्त मिलता है, स्थान मिलता है। बनारस क्योंकि घाटों की नगरी है, तो बनारस में आप क्योंकि चुनाव है, कैसे आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस से अजय राय हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए भैया, जिसमें से जब से बीजेपी या सरकार आया तब से अपने घाट पे और अपने पूरा वर्ल्ड इंडिया में बहुत सुधार आ गया है। तो हमारे पहले बनारस में पहले घाट पर ना सफाई थी, मनगंगा घाट पर ना सफाई था, ना हरिचंद, उसे अपने घाट पर कहीं भी सफाई नहीं था। और इसमें पहले बात राम मंदिर में उसमें नहीं बना था, ना ये काली डोर वाला बना था, तो उसमें भी बहुत गंदगी था। अब इसमें जब से सरकार मोदी जी का आ गया, 5 साल के अंदर में उसे बहुत सारा इससे सफाई हो रहा है, अब घाट पर एक गंदगी नहीं देखने मिलता है। अब जब भी जिसकी भी सरकार बने, क्योंकि आप बनारस के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं, आप क्या चाहेंगे कि बनारस के लिए और क्या क्या काम किए जाए? देखिए हम चाहते हैं कि जैसे बम्बई शहर है, बेंगलोर शहर, इसे हर जगह शहर है, चाहते हैं कि हमारा भी बनारस आगे चले, आगे का नाम उसका चले, हमारे बनारस की उन्नति हो, ये सब चाहते हैं। हम लोग का काम ये है कि 36 जात के लोग जो मृत शरीर आता है तो उनको अग्नि देने का कार्य हम डोम समाज का है और हम लोगों का है। हम लोग 3600 जात को अग्नि देते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है, भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए मनकनका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दो घाट का काम जो है कि हम लोग को देखते हैं। और हम लोग जो है, जो लोग काशी में जो है मरने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोग मानते हैं कि यहाँ पे आकर मरेंगे तो हमको भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे लोग जब मौत मर जाते हैं तो उनको अग्नि देना और उनको मुक्त करना, ये हम लोग का परम कर्तव्य है। देखिए सन 2019 में जो है मामा जी को प्रस्तावक बनाया गया था, तो उस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी, बहुत खुश थे सभी लोग। और मोदी जी ने हम लोग को भी ध्यान दिया, डोम समाज के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया। अगर इस साल अगर प्रस्तावक बनाते हैं तो बहुत खुशी की बात है।